यूएसजी स्क्रॉटम टेस्ट आखिर होता क्या है, किस काम आता है, क्यों कराना होता है और अगर हम इसे करा लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में यूएसजी स्क्रॉटम टेस्ट के बारे में। देखिए, जो यूएसजी स्क्रॉटम टेस्ट होता है ये स्पेशली कराया जाता है जब किसी व्यक्ति को ये डाउट होता है कि उसको वेरिकोसील की समस्या है। अब इस टेस्ट में ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि जो टेस्टिकल्स का साइज़ है वो जो बड़ा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, टेस्टिकल्स के अंदर कहीं लम्स या मास तो नहीं है, यानी कोई गांठ वगैरह तो नहीं बन रही है, और आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी बातों की जांच करने के लिए, अच्छे से पता लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। और जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो इस टेस्ट की रिपोर्ट्स में बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ आता है कि आपका जो स्क्रॉटम साइज है वो क्या है, वो अगर बढ़ रहा है तो किस वजह से बढ़ रहा है, अगर उसके अंदर कोई लम्प है, कोई सिस्ट है, तो उसके बारे में भी क्लियरली लिखा हुआ आता है। और इसी के बेसिस पर डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करते हैं और आपको मेडिसिंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स की, तो सबसे पहले डॉक्टर एडवाइस कर देता है कि मेडिसिन से इसका कोई फायदा नहीं है, आप इसके लिए सर्जरी कराएं। और वो व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि डरना स्वाभाविक है कि एक तो समस्या गंभीर, उसके बाद आपको सीधा सर्जरी करानी पड़ेगी। एक पेशेंट सोचता है मैं कैसे बताऊंगा, मैं घर वालों को क्या कहूंगा, मैं सबको क्या बताऊंगा, तो बहुत सारे सवाल उसे घेर लेते हैं और वो टेंशन में आ जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत होम्योपैथी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अपने वेरिकोसील की समस्या लेके, तो बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी सर्जरी के उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ना केवल ट्रीटमेंट किया जाता है बल्कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर अभी तक आपने हमारी ऐसी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जो हमारे पेशेंट्स की, जिसमें हमने बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट शेयर करके दिखा रखी है कि किस तरीके से एक पेशेंट जब आता है तो उसकी समस्या होती है, कौन सा उसका वेरिकोसील का ग्रेड होता है और कैसे वो 2-3-4-5 महीनों में उसको रिकवर कर लेता है बिना किसी सर्जरी के। तो अगर आपके मन में भी डर है कि आपको वेरिकोसील में सर्जरी नहीं करानी है, आप नेचुरल इसका कोई तरीका ढूंढ रहे हैं ठीक करने का, कोई ऐसी मेडिसिन, ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी समस्या का समाधान पाएं। मैं आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यूएसजी स्क्रॉटम टेस्ट जो कराया जाता है वो क्यों कराया जाता है, इससे किस बात का पता चलता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।